Yes, software project management. In this syllabus, you are going to study how to manage a software or your project. I think already you have studied software engineering in your semester four, I think so. Right? Yes, all of you? Clear? Okay, chalo. Now I have some question regarding software engineering. You just tell me some topics which you remember from software engineering. Any topic from software engineering which you remember? Yes? Software development lifecycle. Spiral model. Okay. Spiral model, okay. Waterfall model, yes. So all these answers are belongs to the software development model, right? So basically you have studied a software development approach. Some of the models are static, some of the models are dynamic. Static model means what? The model which works on the static requirement, which fulfills all static requirement are static model. Jisme se aapne naam liya SDLC, software development lifecycle model, is one of the static software development model. Why? Because this model is basically used to implement a static or fixed requirement. Correct? And some of the models, jo aapne abhi naam liya, dynamic model. Usme se kaun se model aapko yaad hai? I think prototype model aapne suna hoga, right? Incremental model aapne suna hoga. RAD model aapne suna hoga, rapid application development. Aapne spiral model suna hoga, right? आपने एक्सपी सुना होगा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. करेक्ट है? यस. और कौन से मॉडल सुने? सो चलो, एक टॉपिक ये है कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स. ओके, और क्या क्या पढ़ा? एसआरएस. यस, एसआरएस. ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. Can you tell me what is actually SRS is? Why we required SRS? Yes, you also. What is software requirement specification? Achha, forget about what is SRS. SRS hum kaun se phase mein banate hai? Jaise hum baat karenge software development ka simple model, that is SDLC model, aur jisko aap waterfall model bhi bolte, right? Phases kaun se hai? General software development ke, first to requirement gathering, करेक्ट है. देन फिजिबिलिटी स्टडी, आप उसको एनालिसिस बोलते हो, राइट? सिस्टम एनालिसिस. उसके बाद आता है सिस्टम डिजाइन, करेक्ट है? उसके बाद आता है कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आता है टेस्टिंग, उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, जिसको आप ऑपरेशंस भी बोल सकते हो, करेक्ट है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप बोलते हो SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो मैंने फेजेस बताए, इसमें से कौन से फेज में आप SRS बनाते हो? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ओके. सिस्टम एनालिसिस, ओके. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, करेक्ट. अच्छा, तो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में होता क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? अच्छा, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहला फेज कौन सा है? Establish a communication with the customer, end user. अरे जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, राइट? अगर आपके सॉफ्टवेयर में उनके रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होते हैं, तभी तो आपका सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे वो, तभी तो आपके सॉफ्टवेयर का सेल होगा, करेक्ट है? मतलब आपका सबसे पहला काम क्या है? जो एंड यूजर आपका सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है, जिसको आप कस्टमर बोलते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करो. इसीलिए तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है कि नहीं? करेक्ट है, पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या बोलते हैं? एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द कस्टमर एंड ट्राई टू एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट फ्रॉम देम. करेक्ट है? एंड जैसे ही रिक्वायरमेंट्स आप एक्सेप्ट करते हो, उस रिक्वायरमेंट्स का आप बनाते हो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. तो इन शॉर्ट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सॉफ्टवेयर को लगने वाले सारे रिक्वायरमेंट्स, मे बी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, मे बी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स,
राइट, कौन सा डेटाबेस यूज होने वाला है, कौन सा सिस्टम्स यूज होने वाला है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, एज वेल एज सिस्टम के इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट रिक्वायरमेंट्स। राइट, कौन से बोले मैंने, सिस्टम के इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट रिक्वायरमेंट। अब इम्प्लीसिट रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, एक्सप्लीसिट रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, बताओ एनी एग्जाम्पल। When you say a requirement is implicit, when you say this requirement is explicit, any idea? Example सबके पास है, अभी right now सबके पास example है, mobile है सबके पास, हाँ? Purpose क्या है उसका? Mobile का purpose क्या है? Obviously, तो engineering behind mobile क्या है? Communication. अच्छा, वो डिवाइस जब बनाया गया था तो कौन से पर्पस के लिए बनाया गया था? करेक्ट है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ, जब आपको नया मोबाइल परचेस करना है, करेक्ट है, आप गैलरी में जाते हो, मोबाइल शॉप में जाते हो, एक प्री माइंडसेट से जाते हो, एक प्री कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में रहता है कि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन वाला मोबाइल चाहिए, तो उसमें कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपको, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल चाहिए, वो कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? एक तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, करेक्ट है, या हो सकता है कौन से कंपनी का होगा, करेक्ट है, उसका रैम का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, उसमें स्टोरेज कितना होना चाहिए, उसका स्क्रीन डिस्प्ले कितना होना चाहिए, उसका कैमरा क्वालिटी क्या होना चाहिए, फ्रंट बैक एंड ऑल, करेक्ट है। एंड जब आप मोबाइल परचेस करने जाते हो, आप गैलरी में रहोगे, मोबाइल परचेस करोगे तो मोबाइल का बॉक्स आता है, राइट, उस बॉक्स के ऊपर सारे डिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं, मतलब जो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर रहे हो मोबाइल बॉक्स पे, दे आर एक्सप्लिसिट, एंड यूजिंग दैट एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट आप दो मोबाइल के बीच में कंपेरिजन करते हो, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, या मेरे को कौन सा सुटेबल है, कौन सा सुटेबल नहीं है, करेक्ट है। उस मोबाइल बॉक्स पे कहीं ऐसा लिखा होता है कि दिस डिवाइस इज यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, लिखने की जरूरत है क्यों? वो तो इम्प्लीसिट है। अच्छा, अभी आप घर से यहां पर आए क्लासेस के लिए, अब ये बताने की जरूरत है कि क्लासेस में आओ पढ़ाई की जाएंगी, इम्प्लीसिट रिक्वायरमेंट है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, पढ़ाई करना। मोबाइल का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐसे सारे रिक्वायरमेंट्स कहां होते हैं, लिखे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के लिए, जिसको देख के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, या इन शॉर्ट जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो और जब टेस्टिंग फेज में जाते हो, तब आप ये इंश्योर करते हो कि सॉफ्टवेयर डेवलप किस पर्पस के लिए किया था, कौन से रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया था, वो रिक्वायरमेंट्स चेक करो, टेस्ट करो सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अरे समझ में आया, चलो ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल मैंने सुना, SRS मैंने सुना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, यस, हेलो, यस, आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिपीट कर सकते हो? इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट का मतलब होता बेटा ऐसा रिक्वायरमेंट जो सबको पता होगा, एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं, और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है, जो आपको पता चलना चाहिए, तभी आप दो प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो, दो सॉफ्टवेयर को कंपेयर कर सकते हो, राइट, यस। SRS के बाद और कौन से टॉपिक आपने पढ़े? एनी आइडिया? यस, यस। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर शेड्यूलिंग ऐसा पढ़ा, शेड्यूलिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, कुछ कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ा, फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन, कोकोमो एस्टिमेशन। अरे यस और नो? नहीं। अच्छा, ट्रैकिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट शेड्यूल पढ़ा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पढ़ा, यस। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट कैन अकर इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाउ टू टैकल दैट रिस्क, हाउ टू एस्टिमेट दैट रिस्क, करेक्ट है। तो ये सब रिवाइज इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ा, ये सब्जेक्ट का वो बेस है, करेक्ट है, यस। तो बेसिकली व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटायर एक्टिविटी,
in the development of software. The process of SPM starts from the requirement gathering, feasibility study, system analysis, system design, coding implementation, testing, and last operation, that is deployment and maintenance. राइट तो जब से सॉफ्टवेयर डेवलप करने से आप शुरुआत करते हो तब से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पिक्चर में आता है से लेके कहां तक जब तक आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय एंड मेंटेनेंस फेज में नहीं लेके जाते तब तक और ये पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपको कौन से इश्यूज आते हैं उस इश्यूज को कैसे टैकल करना है ये सब अपने को कैसे कहां पढ़ना है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अरे समझा यस कंफर्म सबको समझा एनी डिफिकल्टीज यस तो अब अपन देखेंगे पहला टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल से स्टार्ट क्यों किया सिंपल एग्जांपल देता हूं अभी आप फाइनल ईयर में है करेक्ट है टीवाई बीएससी फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हो आप करेक्ट है चलो अभी आपको कॉलेज में बोला गया है आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहला टास्क क्या है आपका क्या होगा पहला टास्क सिलेक्टिंग टॉपिक सिलेक्ट अ टॉपिक ओके ओके नो प्रॉब्लम चलो ठीक है सिलेक्टिंग अ टॉपिक इज अ फर्स्ट ओके या फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ओके अपने अपने दोस्तों के साथ अपना ग्रुप बनाना करेक्ट है उसके बाद डोमेन को सिलेक्ट करना कि आपको कौन से डोमेन में काम करना है आपको डेटाबेस में काम करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स राइट चलो अच्छा तो सबसे पहले क्या था बताया मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स करेक्ट है जिसको आप एसपीएम की लैंग्वेज में बोलेंगे डिसाइड अ टीम मेंबर्स करेक्ट है यस तो आपने सबसे पहला टीम मेंबर डिसाइड किया ओके उसके बाद आप सिलेक्ट करो डोमेन आपको कौन से डोमेन में काम करना है करेक्ट है डोमेन सिलेक्ट करेंगे मतलब हो सकता है कोई इमेज प्रोसेसिंग में करेगा कोई हो सकता है वर्चुअल रियलिटी में करेगा कोई डेटाबेस में करेगा कोई मशीन लर्निंग में करेगा कोई बिग डेटा एनालिटिक्स में करेगा बराबर तो जब आप डोमेन सिलेक्ट करते हो तब आपको समझ में आएगा कि मुझे इस डोमेन में कौन से फील्ड का नॉलेज या कौन से टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए मेरे डेवलपमेंट के लिए फिर आप सिलेक्ट करते हो टॉपिक जैसे आपने बताया करेक्ट है अब टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आप कौन सा प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करोगे डेवलपमेंट के लिए राइट बिकॉज सिंपली कैसा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ये छोटा काम नहीं होता राइट अभी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा सबको पता है ऑलरेडी व्हाट इज सॉफ्टवेयर बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज इट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट रिक्वायर्ड रिजल्ट अंडरस्टूड करेक्ट है अच्छा नो व्हाट इज अ प्रोग्राम इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट Right? What is basically instruction? Instruction is any statement which has its predefined syntax. Right? आप जो programming language में statement लिखते हो, जिसको आप instruction बोलते हो, correct है? तो अगर software का सबसे छोटा version देखेंगे, तो instruction से शुरुआत होती है. Set of instructions execute करते हो, आपको required result आता है, program बनता है. और ऐसे छोटे-छोटे module, छोटे-छोटे programs जब कंबाइन होते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट देते हैं तब आप उसको सॉफ्टवेयर बोलते हो राइट तो सबसे पहले अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सबसे पहले चेक करो कि आपका अप्रोच कैसा होगा अप्रोच कैसा होगा मतलब आप कौन से प्रोसेस मॉडल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे करेक्ट है एंड जो प्रोसेस मॉडल है मैंने बताया इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स
First, it is a static software development. Second is a अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दो. जब आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाते हो, करेक्ट है, जो भी आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, राइट, वो स्टैटिक रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है, डायनामिक रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है? डायनामिक रिक्वायरमेंट. ओके, ठीक. एनी अदर आंसर? चलो ठीक है, दो ही आंसर हो सकते हैं, स्टैटिक रिक्वायरमेंट बेस्ड होगा सर या डायनामिक रिक्वायरमेंट होगा. तो चलो देखते हैं स्टैटिक रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है. व्हेन यू से एनी रिक्वायरमेंट इज स्टैटिक, या मैं ऐसे कब बोल सकता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट स्टैटिक रिक्वायरमेंट पे काम कर रहा है. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड है, करेक्ट है. स्टैटिक का मतलब जो फिक्स्ड है. डायनामिक मतलब क्या? इटरेशन वाइज चेंज होने के चांसेस है, करेक्ट है. अब मेरे रिक्वायरमेंट को स्टैटिक में कब बोलूंगा? एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं जब सारे रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करूंगा, या रिवर्स, जब तक सारे रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं होते, आई कैन नॉट स्टार्ट विद द एक्चुअल डेवलपमेंट. तब वो हो गया मेरा स्टैटिक रिक्वायरमेंट. अरे समझा, रिक्वायरमेंट डायनामिक कब होगा? कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए. इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द कंप्लीट सॉफ्टवेयर, मैंने वर्केबल मॉड्यूल बताया. वो वर्केबल मॉड्यूल जब एंड यूजर कस्टमर ने टेस्ट किया, उसके बाद उनके रिक्वायरमेंट्स एड अप हो गए, रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाई हो गए, समझा. एंड फिर सेकेंड इटरेशन में अपन ने वापस मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके न्यू मॉड्यूल, न्यू प्रोटोटाइप बना के दिया. ठीक है, अब मेरा सेम क्वेश्चन. आपके जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वहां रिक्वायरमेंट स्टैटिक होगा कि डायनामिक होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिक्वायरमेंट स्टैटिक होंगे. क्यों? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले ही जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, जो आप उसको गाइड बोलते हो, राइट, वो पहले ही पूछते हैं. जैसे कि सपोज एग्जाम्पल, आपने बोला कि मुझे एक्स वाई जेड टॉपिक पे प्रोजेक्ट डेवलप करना है, राइट, तो तुम्हारे टीचर गाइड जो रहेंगे, उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? इसमें आप क्या बनाओगे? करेक्ट है, मतलब वो इन शॉर्ट क्या पूछ रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगे, राइट. इनिशियल स्टेज में फाइनलाइज हो जाता है कि अपन इतना डेवलपमेंट करने वाले हैं. मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इनिशियल फेज में कंप्लीट हो जाती है, एंड जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, फिर अपन इंप्लीमेंटेशन के पास आगे बढ़ते हैं. अरे समझ में आया? तो स्टैटिक रिक्वायरमेंट मतलब क्या? जब तक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं होती, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट फाइनलाइज नहीं होता, एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा. अब तुम प्रोसेस मॉडल को देखोगे तो एसडीएलसी बोलो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, या वॉटरफॉल मॉडल, राइट, बोथ आर स्टैटिक, करेक्ट है. अब मुझे बताओ, वॉटरफॉल मॉडल बोलेंगे तब तो क्या होता है उसमें? कंसेप्ट बोलो वॉटरफॉल मॉडल के. वॉटरफॉल मॉडल आप बोलते हो एचडीएलसी, चलो इधर लिखा हुआ एचडीएलसी, बराबर. इसको लीनियर डेवलपमेंट मॉडल बोलते हैं, राइट. चलो बोलो क्या होता है एचडीएलसी में, क्या होता है वॉटरफॉल मॉडल में? फेजेस ऑलमोस्ट सेम है, अप्रोच दोनों का लीनियर है, यस. फेजेस बता सकते हो जो मैंने अभी बताया आपको? चलो स्ट्रक्चर वॉटरफॉल जैसा निकाल देते हैं, राइट. बोलो पहला फेज कौन सा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, राइट. आप फिजिबिलिटी बोल सकते हो, फिजिबिलिटी स्टडी, राइट. देन नेक्स्ट इज एनालिसिस. बोलो बेटा, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज कोडिंग, या उसको आप इंप्लीमेंटेशन बोल सकते हो, राइट. नेक्स्ट इज टेस्टिंग, एंड द फाइनल इज, फाइनल इज सपोर्ट. यस, सपोर्ट, जिसको आप बोल सकते हो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, उसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है. एंड स्ट्रक्चर कैसा है, राइट.
करेक्ट है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लेक्चर है, राइट, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अगर इसी को लीनियर सिक्वेंशियल में निकालेंगे तो सिंपल आएगा, दिस इज एनालिसिस, दिस इज डिजाइन, दिस इज कोडिंग इंप्लीमेंटेशन, दिस इज टेस्टिंग, दिस इज डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। चलो अब मुझे बताओ वॉटरफॉल मॉडल में एक्चुअल क्या होता है। इसको आपने लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल बोला, राइट। सबसे पहले फेज में क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज व्हाट, एक्सेप्टेबल ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एंड यूजर, करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, करेक्ट। रिक्वायरमेंट आने के बाद अपने को SRS डॉक्यूमेंट बनाना है। आप बोलेंगे सर फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, राइट। आपने ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो बताओ, आपने थोड़ा सुना होगा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, राइट, यस। अच्छा चलो छोड़ो, फॉरगेट अबाउट SBM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी, जनरल टर्म है ये, अफोर्डेबल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, करेक्ट है, फिजिबिलिटी मतलब अफोर्डेबल है कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मेरे को जम पाएगा कि नहीं, करेक्ट है, उसी को आप बोलेंगे फिजिबिलिटी, यस। तो जब डेवलपर एंड यूजर के पास से, कस्टमर से आप रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करते हो, करेक्ट है, तो वो रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करने के बाद एज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में नहीं जाते, राइट। तो डेवलपर क्या करता है, उसके ऊपर परफॉर्म करता है फिजिबिलिटी स्टडी। कितने टाइप का बेसिक फिजिबिलिटी है, पहला इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, मतलब क्या ये रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट होना पॉसिबल है कि नहीं, इज दिस रिक्वायरमेंट इज ऑपरेशनली फिजिबल और नॉट, ये चेक किया जाता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अंडरस्टूड। जैसे मैं अगर डेवलपर हूं, आप एंड यूजर है, मैं आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन लेके आया, मैं आपसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगना चाहता हूं, आप मुझे रिक्वायरमेंट दे रहे, करेक्ट है, तो जनरली आप उन टर्म यूज करते, देखो हाइपोथेटिकल रिक्वायरमेंट। हाइपोथेटिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, ऐसा रिक्वायरमेंट जो फिजिबल नहीं, करेक्ट है, जो बनना पॉसिबल नहीं, राइट। जैसे एग्जांपल, अब मेरा कार मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा बिजनेस है, राइट, मेरे को कार का मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैं आपके पास आया, चलो एंड यूजर कस्टमर, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आप बोलोगे सर एक काम करो ना, आप कार ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, मुंबई में बहुत ट्रैफिक रहता है, आप हवा में उड़ने वाला गाड़ी बनाओ। एंड यूजर का रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, बट इज इट ऑपरेशनली फिजिबल। ऑपरेशनली फिजिबल मतलब क्या ऐसा इंजिन बनना पॉसिबल है, क्या ऐसा सिस्टम बनना पॉसिबल है, ये ऑपरेशनली एग्जिस्ट होना पॉसिबल है। अगर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी पास होता है रिक्वायरमेंट, तो ही आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में एड करोगे। नेक्स्ट इज अ टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब आप चेक करोगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर में एड हो सकता है कि नहीं। एंड फाइनली इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी मतलब रिक्वायरमेंट्स को तो एड करेंगे, बट ये रिक्वायरमेंट को एड करने के बाद अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जो अफोर्डेबल नहीं होगा, फिर वो रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, जो भी रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी स्टडी को पास करता है, ऑपरेशनल फिजिबल है, टेक्निकल फिजिबल है, इकोनॉमिकल फिजिबल है, उसी रिक्वायरमेंट को आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे, राइट। अंडरस्टूड, यस, करेक्ट है। तो यहां फर्स्ट फेज में क्या होता है, वी आर एनालाइजिंग ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर, फ्रॉम द एंड यूजर, फॉर द सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट। वंस ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर एक्सेप्टेड, योर नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन। What is design?
What is design? Converting your requirements into a logical flow. अब design में any diagrammatic representation about the system. It can be algorithm, it can be a pseudo code, it can be flow chart, it can be diagram, it can be any flow graph. So it is simply a diagrammatic representation of the system. Understood? That is called as design, right? And hamesha yaad rakho, the entire success of a software is depends on the design, right? Yes, design jitna interesting, design jitna interactive, design jitna simple, utna software successful rahega. Theek hai? Jaise hi design complete ho jata hai, your next job is to start implementation and coding, right? Jo design flow hai, usko programming syntax mein convert karo, is nothing but the coding and implementation. Right, once it is completed, then test करो कि जिस requirement के लिए software को develop किया है वो requirement software satisfy करता है कि नहीं. ठीक है, after testing फिर deployment and maintenance. Correct है? आपने software engineering में software testing के बारे में पढ़ा होगा, black box testing, white box testing, alpha testing, beta testing, yes or no, unit testing, integration testing. सुना है आपने? यस सर. नो सर. यस, एक्सप्लेन इन. ओके, नो प्रॉब्लम. व्हाट इज बेसिकली अ टेस्टिंग? द बेसिक इंटेंशन ऑफ टेस्टिंग, सी टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर सो वी कैन नॉट गो इन कंप्लीट डिटेल ऑफ टेस्टिंग, बट आई जस्ट टेल यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेस्टिंग. What is basically a testing? In testing, what is the basic intention of testing? Is that the developed software is executed, right, to check whether the requirements is actually satisfied by the software or not. Software testing दो purpose के लिए करते. सबसे पहला software को execute करके check करते कि उसमें कोई error, bug, defect, failure, fault है कि नहीं, right? दूसरा सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर कस्टमर के, एंड यूजर्स के सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं. तीसरा टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं और यह चेक करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो सारी सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करता है कि नहीं. ठीक है, एंड टेस्टिंग सक्सेसफुल कब बोलेंगे, टेस्टिंग फेल्यूअर कब बोलेंगे? अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट में डिफरेंस आएगा. अंडरस्टूड? यस. जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, सी सी प्लस प्लस तुमने पढ़ा हुआ है, सिंपल आपने प्रोग्राम लिखा, चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, राइट? यस. अभी आप सिंपल चेक कर रहे हो नंबर प्राइम है कि नहीं. आपने प्रोग्राम लिखा, आपने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद आपने यूजर से इनपुट मांगा. सपोज यूजर ने इनपुट दिया नंबर 7, तो आपका इनपुट क्या है? 7, बराबर. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए? इट इज प्राइम नंबर. बट जब रन करोगे और 7 इनपुट दोगे, एंड जब आउटपुट आपको मिलेगा कंप्यूटर से, वो अगर नॉन प्राइम आया, इसका मतलब इट इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड. अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट में फर्क है, सॉफ्टवेयर फेल्यूर. अरे समझा? सिमिलरली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप लॉजिकल एरर भी चेक करते हो. अंडरस्टूड? रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होता है कि नहीं, वो भी चेक करते हो. अरे समझ में आया? कंसेप्ट समझा टेस्टिंग का? यस. एंड टेस्टिंग होने के बाद लास्ट आता है तुम्हारा डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. अब ये पर्पज अपना है, दिस मॉडल इज अ स्टैटिक मॉडल. व्हाई इट इज स्टैटिक मॉडल? आप देखोगे तो सबसे पहले फेज में आप सॉफ्टवेयर से, एंड यूजर से रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करते हो. जब एंड यूजर ने रिक्वायरमेंट्स दे दिया, तो अब आगे एंड यूजर कहीं भी पिक्चर में नहीं. ठीक है? और आप देखोगे, ये सिंपल एग्जांपल, अभी बारिश का सीजन चालू है, कल से बारिश आ रहा है, करेक्ट है? यस. जब बारिश आएगा तभी वाटरफॉल आता है. अरे जब बारिश आएगा तभी वाटरफॉल दिखेगा ना, क्यों, क्या रीजन है उसका?
जनरल कंसेप्ट है, बारिश आएगा तो वाटरफॉल दिखता है कैसे? अब जैसे लोनावला बुशी डैम जब भर जाएगा तभी नीचे वाटरफॉल आएगा कि नहीं, करेक्ट है। अब यहां वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, जब तक फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होता यू कैन नॉट स्टार्ट विद द सेकंड, जब तक सेकंड कंप्लीट नहीं होता तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करते हो और क्वेश्चन पूछते हो टीम को कौन सा फेज चालू है, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक फेज। अगर जब इंप्लीमेंटेशन चालू है इसका मतलब एनालिसिस रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डिजाइन कंप्लीट हो गया, अब हम कर रहे हैं कोडिंग और टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस बाकी, ठीक है। और अब अगर आप देखते हो तो यहां कभी भी लूप बैक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, मतलब आपने रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट किया डिजाइन के पास गए, डिजाइन हो गया इंप्लीमेंटेशन, अब कोड लिख रहे, अब कस्टमर नहीं बोलेगा अरे रुक रुक मेरे को और रिक्वायरमेंट ऐड करने, पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो एक बार एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया वापस रिक्वायरमेंट एड ऑन होना पॉसिबल, इसीलिए उसको लीनियर डेवलपमेंट बोलते हैं। समझा? पक्का? एसडीएलसी समझा, वाटरफॉल समझा बेसिक? तो ये क्या था, बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल विच इज अ स्टैटिक मॉडल, राइट। अब इसके कुछ अपने एडवांटेजेस रहेंगे, उसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस रहेंगे। चलो अब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, तो क्या मुझे बता सकते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? यस, वॉटरफॉल मॉडल कैन बी मॉडिफाइड, वॉटरफॉल मॉडल कैन बी मॉडिफाइड, इज इट एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेटा? एडवांटेज, एडवांटेज। व्हेन आई से वॉटरफॉल मॉडल इज अ स्टैटिक डेवलपमेंट मॉडल, देन व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टैटिक डेवलपमेंट मॉडल? इट इज फिक्स्ड, वंस इट इज स्टार्टेड यू कैन नॉट चेंज। एंड जो आपने आंसर दिया वहां क्या आंसर बोल रहे हो आप, कि उसमें चेंज होना पॉसिबल है? यस यस। एडवांटेजेस जो भी आपको लगे, वेदर द आंसर इज करेक्ट राइट रॉन्ग वो तुम सोचना नहीं है। इट इज गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, इट इज गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, करेक्ट, ओके। वॉटरफॉल मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। रादर मैं उसको थोड़ा ऐसा जस्टिफाई करूंगा, आपका आंसर करेक्ट है बट मैं बोलूंगा कि वॉटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, सो आई कैन से इट इज वन ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग मॉडल, राइट। दो टाइम कंज्यूमिंग मॉडल है तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल मॉडल है वॉटरफॉल मॉडल, करेक्ट। एनी अदर एडवांटेज? इजी टू यूज, यस ऑब्वियसली इट इज इजी टू यूज, करेक्ट। इट इज वन ऑफ द सिंपल मॉडल, स्टेबल होगा थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस इट इज स्टेबल, करेक्ट। वंस यू एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट टिल लास्ट आपको पता होगा कि कौन से रिक्वायरमेंट्स को आपको हैंडल करना है, करेक्ट है। यस, वॉटरफॉल मॉडल इज वन ऑफ द सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल अप्रोच टुवर्ड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, करेक्ट है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज से अच्छा अपन लिमिटेशंस बोलेंगे, राइट। क्या लिमिटेशंस है वॉटरफॉल के? फुल प्रोग्रेस दिखता नहीं है, ओके, एट अ स्ट्रेच फुल प्रोग्रेस दिखता नहीं है, ओके, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका एक ही फेज चालू रहता है, करेक्ट है, पूरा प्रोग्रेस नहीं दिखता, ओके, ओके, यस, इट डजंट हैव एन ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजेशन, ओके ओके, डजंट हैव एनी ऑप्शन अबाउट कस्टमाइजेशन, वन ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग मॉडल, ओके, और आई कैन से दैट दिस मॉडल इज ओनली सुटेबल, this model is only suitable for the static requirement, agar requirement change ho raha hai to ye model fail jayega, yaha koi bhi loop back facility available nahi hai, time consuming model hai, correct hai। ab thoda sa dynamic ke paas jayenge to sabse basic main banata hu, pehla prototype model, theek hai, what is prototype model,
basic dynamic development model. ये देखो ये बेसिक डायनामिक डेवलपमेंट मॉडल है. अगर आप फेजेस देखते हो तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज फर्स्ट फेज. लिसन टू कस्टमर, राइट. व्हाट इज लिसन टू कस्टमर? इट इज सिंपली लिसन ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर. अब यहां दोनों में फर्क क्या है? यहां पे भी सर वही तो हो रहा था, राइट right? और यहां पे भी वही हो रहा है. फिर एक्चुअल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वॉटरफॉल मॉडल में जब तक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं होते, लॉक नहीं किया जाता, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ सकते, राइट. यहां अभी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है आप दे दो, ठीक है. तो यहां लिसन टू कस्टमर मतलब लिसन all possible requirement from the customer or end user. Based on those requirement, try to build a workable module called as mockup. मतलब customer अगर सारे requirements नहीं दे सकता, obviously, simple example. अब as a customer, as a end user, अपने को technical skills ज्यादा पता नहीं होते, अपने को technical knowledge पता नहीं होता, अरे yes or no? Recent technology के बारे में ज्यादा पता नहीं होता. तो अगर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे सारे रिक्वायरमेंट दे सकता आपको? अरे यस, हाँ समझा, करेक्ट है. तो यहां क्या बोलता है प्रोटोटाइप मॉडल कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपके वो हम एक्सेप्ट करते हैं. बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट हम वर्केबल मॉड्यूल या मॉकअप बना के देंगे. एंड जो भी वर्केबल मॉड्यूल होगा टू द कस्टमर फॉर टेस्टिंग. यहां वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. देखो यहां सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने तक रुकना पड़ता था, यहां जरूरी नहीं है. यहां अगेन सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग कौन करता है? एंड यूजर करता है. फैसिलिटी यहां अवेलेबल नहीं है, राइट. तो यहां कस्टमर टेस्ट ड्राइव मॉकअप मतलब जो भी वर्केबल मॉड्यूल होगा वो कस्टमर टेस्ट करेगा. एंड इफ कस्टमर वॉन्ट्स टू एड एनी रिक्वायरमेंट, मॉडिफाई एनी रिक्वायरमेंट, कस्टमर को कोई नए रिक्वायरमेंट ऐड करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, डिलीट करने हैं, चेंज करने हैं, इन्फॉर्म इट टू द डेवलपर. देन इन द नेक्स्ट इटरेशन डेवलपर ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द नेसेसरी सजेशन विच आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द कस्टमर. मॉड्यूल को रिवाइज करेंगे, राइट. नया मॉड्यूल बनेगा, न्यू प्रोटोटाइप बनेगा, वापस एंड यूजर टेस्ट करेगा, एंड यूजर वापस टेस्ट करके कुछ मॉडिफिकेशंस देगा, फिर वो नेक्स्ट इटरेशन में आएगा. तो इसीलिए इसको इटरेटिव मॉडल बोला गया है, डायनामिक मॉडल बोला गया है. सारे रिक्वायरमेंट एक टाइम पे नहीं दिया तो भी चलता है. एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, अपन देखो कंप्यूटर आईटी वाले लोग है, इवन अपना कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री, लिसन हियर प्लीज, कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, राइट. ये सारी इंडस्ट्री इसी मॉडल पे तो चलती है. अगर बेसिक एग्जांपल देने जाएंगे तो अगेन मैं सिंपल एग्जांपल क्यों रखता हूं, क्योंकि उसमें अपन थोड़े से एक्सपर्ट है, राइट. यस, कौन सा एग्जांपल? मोबाइल, हैंडी डिवाइस है. अपने को कुछ काम नहीं रहेगा तो अपन मोबाइल में ही देखते रहते हैं, करेक्ट है. उसके सारे फीचर्स के बारे में अपने को पता है, करेक्ट है. अब मोबाइल ये डिवाइस है, ये क्यों आया मार्केट में? अच्छा, मोबाइल के पहले क्या था? टेलीफोन था, जिसको आप लैंडलाइन बोलते हो, बराबर. ग्राहम बेल साहब ने बनाया था, करेक्ट है. यस, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता था, दो आदमी रिमोट जगह से बात कर सकते थे, यस, बराबर है कि नहीं. वायर्ड डिवाइस था, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता था, सब कुछ परफेक्ट था, यस. बट कुछ बातें होती है जो घर के अंदर नहीं कर सकते अपन, थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, बराबर ना.
घर पे रहेंगे, मम्मी पापा भाई बहन सब रहेंगे ना, और सारी चीजें सबके सामने ओपनली ना नहीं बोली जा सकती, करेक्ट है ना। कुछ अपनी ऐसी भी खास प्राइवेट बातें होती है जो एंड टू एंड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन, हेलो में ना पता है ना, एंड टू एंड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन वो टेलीफोन पे नहीं होता था, या होता भी था तो अपने को एनकोड करके बात करना पड़ता था। याद है एनकोड मतलब? यस पक्का, एनकोड करके बात करना पड़ता था, ठीक है चलो। तो ये एक रिक्वायरमेंट आया, आपको पता होगा टेलीफोन के साथ फिर वो कॉर्डलेस वाला फोन आया था, जहां आप उसकी कुछ पर्टिकुलर रेंज थी, 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर, ठीक है। फोन घर में है रखा हुआ, अगर फोन आया अपना फोन है तो अपन पिक करेंगे, थोड़ा बाहर जाके भी दूर जाके घर वालों से बात कर सकते हैं, करेक्ट है। लेकिन वो अभी मार्केट में आ गया, लोगों ने वो यूज करना शुरू कर दिया, बट अभी टेलीफोन या कॉर्डलेस जो भी है उसका प्रॉब्लम क्या है, आपको घर पे रहना जरूरी है, आप ऑफिस में हैं, राइट, आप घर के बाहर हो, अभी क्लास के लिए आए हो, तो रिमोट जगह से कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो मोबाइल के पहले एक डिवाइस आया था, आपको पता होगा पेजर, मालूम है, जहां कम्युनिकेशन नहीं होता था बट मैसेजिंग होता था, करेक्ट है, यस। बट पब्लिक को क्या चाहिए था, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, क्या चाहिए था पब्लिक को, तुरंत जगह पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो तुरंत जगह पे कम्युनिकेशन कौन करके देता है अपने को, मोबाइल डिवाइस, करेक्ट है। तो जब फर्स्ट टाइम मोबाइल आया, बेसिक पर्पस कम्युनिकेशन, तभी भी आज भी बेसिक पर्पस कम्युनिकेशन, बट जब नया मोबाइल आ गया तो आपको रेंट क्या थे वो पता है, उसके कॉस्ट पैरामीटर्स कितने हाई थे सबको मालूम है, यस, इनकमिंग को भी कॉल था, आउटगोइंग को भी, इनकमिंग को पैसा पड़ता था, आउटगोइंग को भी पैसा देना पड़ता था, और वो पर मिनट 35-40 क्या वो आपको पता होगा कितना कॉस्टली था। आज तो अपना जियो है, दन दना दन, करेक्ट है कि नहीं, 2 GB डेली देता है, अपने को पर बढ़ता भी है, समझ में आ रहा है। तो वो टाइम पे अगर इमरजेंसी होती थी तो ही मोबाइल का इस्तेमाल होता था। आज क्या है, अपन दोस्त को तुरंत मैं छोड़ूंगा बोलेंगे, अरे हाँ सर ने छोड़ दिया, अरे किधर मिलने का, तभी वो पॉसिबल नहीं था। अगला इतना बोलने के लिए 40 रुपया लगता था, पता चला बस से जाके मिलके आएंगे 5 रुपए में, और फोन पे बताने का 40 रुपया, मैं समझा। तो कुछ इमरजेंसी रहेंगी तो ही कभी फोन यूज करते थे, करेक्ट है, अदरवाइज वो डिवाइस जेब में ही पड़ा है, कोई एंटरटेन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं उसमें, ब्लैक एंड व्हाइट डिवाइस, ना सॉन्ग ना कुछ ना कुछ ना कुछ। लोग बोले अरे फोन किया नहीं, फोन आया नहीं तो जेब में लेके क्यों घूमू दिन भर, कुछ तो दे उसमें। रेडियो दिया सबसे पहले, कलर डिस्प्ले दिया, बराबर ना। अब रेडियो को तुम वापस, लोगों ने बोला अरे रेडियो है, उनके अपने सेट प्रोग्राम है, ब्रॉडकास्टर है वो बोलेंगे हम सुनेंगे, ऐसा नहीं होता, हम सिलेक्ट करेंगे हमको क्या सुनने का। मेमोरी कार्ड दिया, तुम खुद गाना भरो, कैमरा दिया, फ्लिप वाला आया पहला, बराबर है। उसके बाद क्या क्या दिया मुझे बताने की जरूरत है क्या, है क्या जरूरत। अच्छा बर, जितने लोग अभी प्रेजेंट है लेक्चर सुन रहे, कोई ये बोल सकता है कि मेरे पास जेब में जो मोबाइल है वो फाइनल है, लास्ट है, बस इसके बाद मोबाइल ही नहीं आएगा, है क्या? कौन सा है तुम्हारे पास, एप्पल 12, 11, 13 कौन सा है, वन प्लस उसका हायर वर्जन आएगा, एप्पल 12, 13 कौन सा है लेटेस्ट, जो भी है 13, 11 है तो 12 आएगा, अभी 12 है तो 13 आएगा, अरे अंडरस्टूड। तो हो क्या रहा है, अरे तुम ए मोबाइल मत सुनो, कंसेप्ट सुनो, प्रोटोटाइप मतलब क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मोबाइल एग्जाम्पल अपन क्यों लिया, इंटरेस्टिंग, पब्लिक को समझता फटाक से, अंडरस्टूड। अपन अगर यही एग्जाम्पल लेते, ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, कोबोल था, फॉल्ट्रान था, पास्कल था, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज विस्ता,
विंडोज 7, विंडोज 8, बाकी तुमको सब आता। ये भी क्या है? प्रोटोटाइपिंग, ये भी तो वर्जन ही है ना। अच्छा, हर हर जो विंडोज के वर्जन है उसमें फीचर्स तो एडिशनली मिल रहे कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है कि नहीं? जो एक्सपी में हो रहा है वो 95 में भी होता था ना, प्लस एडिशनल 7 में हो रहा है, एक्सपी में भी हो रहा था एडिशनल। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट एड हो जाएंगे आपको रिवाइज्ड करके मिलेगा मॉड्यूल, राइट? अगर तुम टेलीकम्युनिकेशन वाला एग्जांपल दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर लेते हो तो सेम एग्जांपल, कोई भी व्हीकल ले लो, कोई भी व्हीकल आपके पास होने दो, उसके वर्जन आते ही रहते, न्यू न्यू मॉडल आते ही रहते हैं। अरे अंडरस्टूड? तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, वॉट एवर बी द रिक्वायरमेंट कस्टमर से एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर यस गिव इट टू द कस्टमर फॉर टेस्टिंग। कस्टमर टेस्ट करेगा, कस्टमर को लगेगा कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, मॉडिफिकेशन है, डिलीशन है, चेंजेस है, वो नेक्स्ट साइकिल में इंप्लीमेंट करेंगे। अरे यस और नो? अभी बच्ची बोल रही है वन प्लस है, बोल रहा है एप्पल 13 है, बट फिर भी अपने पास रियलमी है ना, तो अभी भी पब्लिक पास रेडमी है ना, मेरी जरूरत है कम। सिंगम वाला डायलॉग मालूम है ना? अरे हाँ या नहीं? एप्पल 13 भी अवेलेबल है बट मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। जो रिक्वायरमेंट आपकी है आपको वर्केबल मॉड्यूल मिलेगा, आप आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हो न्यू मॉड्यूल, ठीक है? ऑप्शंस अवेलेबल है, करेक्ट है? ये वॉटरफॉल डायनामिक इस प्रोटोटाइप, फिर ये ही इंक्रीमेंट आगे गया, थर्ड मॉडल आ गया आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसने वॉटरफॉल एंड प्रोटोटाइप दोनों के फीचर को कंबाइन किया। अंडरस्टूड? अच्छा, अब मुझे बताओ तुम दोनों को कंपेयर करना है इसमें, अपने वॉटरफॉल के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए, प्रोटोटाइप के एडवांटेजेस बताओ। एरर फास्ट, एक लाइन में आंसर है। हाँ यस, एरर फास्ट मालूम पड़ेगा। ओके, एरर फास्ट मालूम पड़ेगा, ओके ठीक है। इट कैन बी इजीली कस्टमाइज, परफेक्ट, ओके। लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा कि वर्केबल मॉड्यूल इज अवेलेबल इन क्विक टाइम सेशन। मतलब जो मुझे वर्केबल मॉड्यूल चाहिए ना वो फटाफट मिलेगा, वो फटाफट मिलेगा, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग, करेक्ट है? एक स्टेटमेंट अगर देना होगा सिंपल तो मैं बोलूंगा कि जो भी ड्रॉबैक या जो भी लिमिटेशंस थे वॉटरफॉल के सारे ओवरकम करते हैं। तो सारी रिक्वायरमेंट पहली देनी पड़ती है, जरूरत नहीं। रिक्वायरमेंट स्टैटिक थी, जरूरत नहीं। लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग, वर्केबल मॉडल फटाफट अवेलेबल है। हाँ, तो लिमिटेशन क्या है? तो ये नेवर एंडिंग लूप है, राइट? रिक्वायरमेंट जैसी बढ़ती रहेगी वर्केबल मॉडल वैसे आते रहेगा, एंड यूजर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी, फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा। अरे समझ में आया? कंफर्म सबको? अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तुम्हारा इंक्रीमेंटल मॉडल, सुना होगा? यस, इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट यू विल गेट द डेवलप प्रोजेक्ट। हाँ या नहीं? ये डायग्राम बना रहे हो? चलो 5 मिनट ले लो, फटाफट डायग्राम बना दो, दोनों डायग्राम बना दो, एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में अवेलेबल है। यस मानसी, करेक्ट, दैट इज डिजाइन, ईआर डायग्राम, ऋतिक इज ऑल्सो करेक्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेक्ट है, एसडीएलसी इज ऑल्सो करेक्ट है, ओके। कंप्लीट बेटा, दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गए? यस सर। डायग्राम डन? सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है?
चलो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो थर्ड मॉड्यूल है अपना दैट इज इंक्रीमेंटल मॉड्यूल, और ये जो मॉड्यूल है इसके हर एक फेजेस को ध्यान में रखना है बेटा। क्यों? क्योंकि पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपने को हर फेज में क्या होता है, उसके क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, वो सब डिटेल में पढ़ना है एसपीएम में। हाँ बेटा बोलो। क्या सर क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड? क्यों बेटा क्लियर नहीं? इन द सेंस ब्लर है या वाइट है? छोटा लिख रहे हो सर आप, ठीक है। देखो इधर पहले बाद में लिखो। इंक्रीमेंटल मॉडल फेजेस एक्सप्लेन करता हूं, फेजेस एक्सप्लेन करता हूं। एनालिसिस, दिस इज फर्स्ट इंक्रीमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट। देन सेकंड इंक्रीमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, डिलीवरी ऑफ सेकंड इंक्रीमेंट। वैसे थर्ड है यहाँ, टीम वन, टीम टू, टीम थ्री, डॉट डॉट डॉट। एनालिसिस मॉडलिंग क्या लिखा है ध्यान से देखो। एनालिसिस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर, या सिंपली टेस्टिंग। सेम एएम मतलब एनालिसिस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग, सेम फॉर टीम थ्री। ड्रॉ करो फटाफट। इंक्रीमेंटल मॉडल, राइट? एज द नेम इंप्लाइज, इंक्रीमेंटल मॉडल एज द नेम इंप्लाइज। यस यस। हेलो सर, ये आपका बोर्ड नहीं दिख रहा सही से, पूरा ब्लर है। हेलो, ये साइड ओके है? फर्स्ट इंक्रीमेंट, सेकंड इंक्रीमेंट, थर्ड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंटल मॉडल में एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, इंक्रीमेंट है वाई एक्सिस पे। ठीक है, चलो स्टॉप राइटिंग। यहां देखो एक्सप्लेनेशन देता हूं। इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल कंबाइंस द फीचर ऑफ वॉटरफॉल मॉडल एज वेल एज द प्रोटोटाइप मॉडल। अपन ने पहले दो मॉडल पढ़े, वॉटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल ने दोनों मॉडल के फीचर्स को कंबाइन कर दिया। कैसे? देखो इधर वर्किंग फेजेस देखो। द वर्किंग फेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल इज एग्जैक्टली सेम एज ऑफ वॉटरफॉल मॉडल। अरे ये जो फेजेस है ना, देखो ना, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, सेम एज वॉटरफॉल। बट स्ट्रक्चर देखो प्रोटोटाइप जैसा। कैसे? ड्यूरिंग द फर्स्ट इंक्रीमेंट, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंक्रीमेंट आप सॉफ्टवेयर को वॉटरफॉल मॉडल जैसे ही डेवलप करोगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। बट जैसे ही फर्स्ट इंक्रीमेंट डिलीवर हो जाएगा, देन दैट डिलीवरी जो है वो जाएगा कस्टमर एंड यूजर के पास। कस्टमर एंड यूजर टेस्ट द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट, करेक्ट है? एंड कस्टमर को कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशन रहेंगे, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेंगी, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट कंसिडर की जाएंगी सेकेंड इंक्रीमेंट, करेक्ट है? तो अब आप थोड़ा सोच सकते हो, सर आपने वॉटरफॉल मॉडल को बोला था इट इज टाइम कंज्यूमिंग मॉडल, जबकि वॉटरफॉल मॉडल में तो सर ये एक ही बार हो रहा था और आपने उसको टाइम कंज्यूमिंग बोला है, यहां तो मल्टीपल टाइम्स है, सोल भी लिखा है, ये तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा? ना, टाइम जितना भी लगेगा डेवलपमेंट के लिए वो सिर्फ पहले इंक्रीमेंट को लगेगा, करेक्ट है? क्योंकि सेकेंड इंक्रीमेंट ऑनवर्ड्स आपको कुछ नया डेवलप नहीं करना है, जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन सजेशंस रहेंगे, उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है? यस, सो डिलीवरी ऑफ सेकेंड इंक्रीमेंट इज अगेन डिलीवर टू द कस्टमर एंड यूजर, टेस्ट करेंगे, अगर कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशन रहेंगे, एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेंगी तो वो। एंड एक बात याद रखो, जो डेवलपमेंट टीम फर्स्ट इंक्रीमेंट में काम कर रही है वही डेवलपमेंट टीम सेकेंड इंक्रीमेंट में ही रहेगी, तो उससे क्या होगा,
कि फर्स्ट इंक्रीमेंट में जो भी डेवलपमेंट टीम मेंबर प्रेजेंट है उनको इन एंड आउट पता है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो चेंजेस करने के लिए आसान होगा। समझा? तो हर इंक्रीमेंट पे तुमको सेम ही डेवलपमेंट टीम रहेगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसने वॉटरफॉल एंड प्रोटोटाइप दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के बेस्ट फीचर को कंबाइन किया हुआ है। बस 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 दोनों के बेस्ट फीचर को कंबाइन किया हुआ है। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो लो स्टाफिंग है, मतलब जिनके पास नंबर ऑफ स्टाफ बहुत कम है, वेट अ मिनट, ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास लो स्टाफिंग है, कम लोग है काम करने के लिए, इंक्रीमेंटल मॉडल सूटेबल मॉडल है, राइट? यस। नेक्स्ट मॉडल जो है दैट इज रैड। व्हाट इज रैड? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एज द नेम इंप्लाइज, उसका नाम क्या बोलता है, वो रैड मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मीन्स वॉट? यहां देखो लिखा गया ड्यूरेशन 60 to 90 days, राइट? इसका मतलब जब एंड यूजर इज एम्फोसाइजिंग ऑन एक्सट्रीमली शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल। आप समझे नहीं मैं किसका आंसर दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर वॉटरफॉल कब यूज करने का? रिक्वायरमेंट स्टैटिक रहेंगी, फिक्स रहेंगे, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट रहेगा, गो फॉर वॉटरफॉल। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल, सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फाइनल प्रोजेक्ट या एंटायर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन अ मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन, गो फॉर, राइट? थर्ड इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब अपने को फटाफट डेवलपमेंट चाहिए। फटाफट डेवलपमेंट चाहिए मतलब क्या? एक्सट्रीमली टाइट डेडलाइन है, मतलब डेवलपर के पास बहुत कम टाइम है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इसीलिए यहाँ एम्फोसिस किसके ऊपर है, देखो ड्यूरेशन। और इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि 60 to 90 days, ये कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन ये है कि एक्सट्रीमली टाइट ड्यूरेशन है, इसका मतलब बहुत कम टाइम है आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, आपके पास बहुत कम टाइम है, तब आपको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पास जाना है। अब सिंपल एग्जांपल है, आपके पास टाइम कम है और आपको काम ज्यादा करना है, आप क्या करते हो? सिंपल, आपको कोई एक टास्क कंप्लीट करना है, आपके पास बहुत कम टाइम है, मतलब जनरली उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 1 week का टाइम लगता है, बट आपके पास अभी 3 दिन है, आप क्या करोगे बताओ? मैन पावर ज्यादा लगेगा। ओके, स्प्लिट करेंगे छोटे छोटे टास्क में, करेक्ट है, और टीम बनाएंगे, करेक्ट है, जो दिख रहा है तुमको टीम बनाएंगे, बराबर, ओके, और ओके, मतलब जब टीम को टास्क असाइन करेंगे तो उसको उसका डेडलाइन भी साथ में असाइन करेंगे, ओके, ठीक है, और ज्यादा यूज कर, इसको ज्यादा यूज करके रिसोर्सेस ज्यादा यूज करेंगे, बराबर है, ओके, मतलब इन शॉर्ट रिसोर्सेस का मतलब मैन पावर ज्यादा देंगे, हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, राइट? यस, ओके, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? क्या करेंगे? ठीक है, प्रोग्रेस को कंटिन्यूअस मॉनिटर करेंगे, ओके, प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, राइट? और कुछ? चलो ठीक है, अब देखो इधर, अब शांत बैठो, अब मैं बोलता हूं। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सबसे पहले अगर आपके पास बहुत कम टाइम है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए तो यू गो फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर डेवलपर ने सिलेक्ट किया कि मुझे रैड मॉडल यूज करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द टास्क विच आर इंडिपेंडेंट, बराबर है, आइडेंटिफाई ऑल इंडिपेंडेंट टास्क एंड डिवाइड योर एंटायर डेवलपमेंट टीम इंटू
number of independent tasks, because independent task can be started from day. अरे यस, अभी इंडिपेंडेंट टास्क का मतलब समझता है आपको? जैसे डिपेंडेंसी के एग्जाम बता, एग्जाम्पल बताओ तो सी पहला पढ़ना पड़ेगा, फिर सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस डिपेंडेंट है सी पे, बराबर। उसके आगे जाएंगे जावा, डिपेंडेंट है सी प्लस प्लस पे। उसके आगे जाएंगे पाइथन, डिपेंडेंट है, समझा। लिमिट्स कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डेरिवेटिव पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, डिपेंडेंसी है। अरे करेक्ट है, अपने सिलेबस में ऐसा एक सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन स्किल, था क्या डिपेंडेंट किस पे? अरे नहीं ना, उसको सेमेस्टर वन में पढ़ा तो भी चलेगा, टू में पढ़ा तो भी चलेगा, थ्री में पढ़ा तो भी चलेगा, सिक्स में पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था? ट्वेल्थ पास, करेक्ट है, क्योंकि उसके बेसिक ओरल कम्युनिकेशन के फंडे थे, रिटन कम्युनिकेशन के फंडे थे, वो किसी पे डिपेंडेंट था क्या? सब्जेक्ट यूज हर जगह पे होता है, डिपेंडेंट था क्या वो किसी पे? नहीं। तो ऐसे आइडेंटिफाई करो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितने टास्क इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टास्क रहेंगी तो वो डे वन से शुरू कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसमें टोटल 10 टास्क है, या आपको 10 मॉड्यूल डेवलप करने हैं, राइट? उसमें से 4 मॉड्यूल इंडिपेंडेंट है, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को 4 में स्प्लिट करूंगा एंड चारों टीम पैरेलली काम शुरू करेंगे। डे वन पे तुम्हारा 40% काम चालू हो गया। अगर यही सिक्वेंशियल अप्रोच होता तो पहला कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होता, दूसरा कंप्लीट नहीं होता तीसरा स्टार्ट नहीं होता, ठीक है? अगर आपको रैड मॉडल से यूज करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो आपको मैन फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रादर देन, ध्यान से सुनो, रादर देन ट्रेडिशनल 3GL कंपोनेंट, ध्यान से सुनो, rather than traditional 3GL component, आपको fourth generation technique का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 3GL और 4GT ये हमको मालूम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी सी प्लस प्लस पढ़ा, जावा पढ़ा, ये सारे थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, राइट? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज मतलब आपको किसी भी चीज के लिए पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा। .NET पढ़ रहे हो, विजुअल स्टूडियो पढ़ रहे हो, फोर्थ जनरेशन, विजुअल बेसिक पढ़ा, फोर्थ जनरेशन। अगर आपको फॉर्म बनाना है, आपके पास दो पॉसिबिलिटी, एक तो आप HTML CSS यूज करके करो, ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट विजुअल बेसिक पे भी अवेलेबल, VB में अवेलेबल है, राइट? यस, अब मुझे बताओ कॉलेज एडमिशन फॉर्म आप HTML और CSS यूज करके बनाओगे कितना टाइम लगेगा? क्योंकि फॉर्म के एलिमेंट डायरेक्टली VB में ड्रैग एंड ड्रॉप अवेलेबल है, फटाफट हो जाएगा, जैसे अपीयरेंस चाहिए वैसा, इफेक्ट जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है। तो फोर्थ जनरेशन टेक्निक मतलब क्या? जैसे कि विजुअल स्टूडियो, जहां आपको कोडिंग कम करना है, सारे ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट अवेलेबल है, उससे आपका ओवरऑल कोडिंग टाइम बचता है, आपका ओवरऑल टेस्टिंग टाइम भी बचता है। बिकॉज जब कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप बनाए थे तो उसका कोड भी लिखा था और वो टेस्ट भी किया था, आपको सिर्फ यूज करना है उसको। अरे अंडरस्टूड? तो अगर आपको कोई भी टाइम, सिंपल एग्जांपल, सिंपल एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आएगा। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। आप क्लास में बैठे हो, क्लास छूटते घर पे गए, मम्मी से पापा से आपको इंफॉर्मेशन पता चला आपके किसी क्लोज रिलेटिव का शादी है, देखो बराबर। अभी आपका क्लोज रिलेटिव का शादी है तो नया कपड़ा लगेगा, तो दो ऑप्शन है, एक तो आप कपड़ा खरीद के टेलर के पास सिलाने के लिए जाओगे कि रेडीमेड शॉप में जाके परचेस करोगे। एग्जांपल समझा? बोलो क्या करोगे? क्यों? यही आपको पता चलता 2 महीने के बाद है, तब क्या करते? तब क्या करते? Yes, मतलब जब आपके पास टाइम कम है, जब आपके पास टाइम कम है, देन गो फॉर रेडीमेड और बिल्ट इन,
कंपोनेंट, करेक्ट है। तो यहाँ तुम्हारा रैड एप्लीकेशन है, आपके पास टाइम कम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, रेडीमेड और बिल्ट इन कंपोनेंट जो फोर्थ जनरेशन टेक्निक में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करो, वर्कफोर्स बढ़ाओ, रिसोर्सेस ज्यादा यूज करो, रेडीमेड कंपोनेंट पे एम्फोसाइज करो, अंडरस्टूड। इन शॉर्ट टाइम सेव करो, क्योंकि जो एंड यूजर है उसने बोला है मुझे इतने टाइम में ही एप्लीकेशन जनरेट करके चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट होता है, करेक्ट है। इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके लिमिटेशंस फटाफट डेवलपमेंट है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी पैरामीटर पे, सारे कंपोनेंट तो बिल्ट इन नहीं मिलेंगे, कुछ बनाने भी पड़ेंगे, तो जो बिल्ट इन कंपोनेंट रेडीमेड मिलेंगे जो बनाने पड़ेंगे उनमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ेगा। अरे समझा, कंफर्म चारों प्रोसेस मॉडल समझा तुमको? एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन? हेलो सर, ये ब्लैक बोर्ड एकदम ब्लर है। हेलो हेलो हेलो, डायग्राम ड्रॉ किया था? डायग्राम ड्रॉ डन? तो सर ये ब्लैक बोर्ड एकदम ब्लर है। यस यस यस, हेलो सर, ब्लर? यस बेटा, ये सर ये एकदम ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, ब्लर दिख रहा है यहाँ से ऑनलाइन। अभी अभी भी ब्लर है सर, आप लोग का वो मतलब थोड़ा फोकस नहीं प्रॉपर। एक मिनट ना, फोकस नहीं। ठीक है, कौन सा पोर्शन नहीं दिख रहा बोलो फटाफट। ये सर यहाँ, ये सर यहाँ डीएम पीएम एजी टी। हाँ तो बस खत्म, पहला लिखा ना तुमने टीम वन का, टीम वन का लिखा ना, एनालिसिस मॉडलिंग डेटा मॉडलिंग प्रोसेस मॉडलिंग लिखा ना, टीम वन का लिखा नहीं? लिखा, बोलो सर। हाँ चल, पर टीम वन के पहले बॉक्स में देख, पहले फेज में लिखा है एनालिसिस मॉडलिंग फास्ट, एनालिसिस मॉडलिंग के बाद डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग के बाद प्रोसेस मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग के बाद एप्लीकेशन जनरेशन एंड उसके बाद टेस्टिंग। अगर टीम वन का हो गया तो उसी का शॉर्ट फॉर्म टी वन टी टू एंड टी थ्री में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म है, एनालिसिस मॉडलिंग का एएम लिखा है, बस वैसे ही सेम। ओके ठीक है, ओके चलो। अब नेक्स्ट मॉडल, लास्ट मॉडल पढ़ेंगे, स्पाइरल मॉडल। सुना है नाम स्पाइरल? सर फोर्थ बॉक्स में क्या है, एप्लीकेशन जनरेशन, ओके, कस्टमर कम्युनिकेशन पहला फेज, कस्टमर कम्युनिकेशन, देन प्लानिंग, देन रिस्क एनालिसिस, देन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन रिलीज एंड कस्टमर इवैल्यूएशन, डन कंप्लीट। चलो अभी इधर देखो, बेटा पढ़ा ना मैंने, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज एंड कस्टमर इवैल्यूएशन, एंट्री पॉइंट, दिस इज एंट्री पॉइंट, स्पाइरल मॉडल। देखो इधर ऐसा बोला गया है स्पाइरल मॉडल के बारे में कि स्पाइरल मॉडल is one of the spiral model is one of the best suited model, spiral model is one of the best suited model for any type of software development, right? Spiral model is one of the best suited model for any type of software development. ऐसा क्यों? पहले तो इसको spiral क्यों बोला है, meaning देखो, यहां देखो, ये दिखता spiral जैसा इसीलिए spiral नहीं बोला इसको, राइट? तुम बोलेंगे सर इसका स्ट्रक्चर दिखता है स्पाइरल, वो तो मैंने बनाया ना स्ट्रक्चर स्पाइरल जैसा, इसका स्पाइरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां देखो मैंने एंट्री पॉइंट लिखा है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ध्यान से,
जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद अ वेरी बेसिक और वेरी फ्यू रिक्वायरमेंट्स। जब आपके दिमाग में आएगा कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तब आपके पास बहुत बेसिक, बहुत कम, बहुत छोटी रिक्वायरमेंट्स रहेगी और आप उस रिक्वायरमेंट से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करोगे। बट जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स ऐड होते रहेंगे, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर स्कोप इंक्रीज होते रहेगा और एक दिन ये स्पाइरल जैसा बड़ा रूप धारण करेगा, इसीलिए उसको स्पाइरल समझा। रिक्वायरमेंट बहुत छोटी होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है, बट जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट बढ़ता है ना तो रिक्वायरमेंट्स ऐड होती रहती है, स्कोप बढ़ता रहता है, राइट? समझा स्पाइरल? क्यों स्पाइरल बोलते हैं? पक्का? अब आप बोलोगे सर अगर आपने पहले ही स्टेटमेंट दिया कि दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर हम बाकी पढ़ते ही नहीं ना, इसको पांचवा क्यों बता रहे, पहले ही बता दो ना ये सबसे बेस्ट है, कदम। ऐसा नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर फिर ये जो स्पाइरल मॉडल है ये तो बेस्ट है, फिर किसके लिए है बेसिकली? तो ध्यान दो, स्पाइरल मॉडल कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सुटेबल है? ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ध्यान दो, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता रहेगा, मतलब द ड्यूरेशन इज मैक्सिमम, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज मैक्सिमम, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज मैक्सिमम, करेक्ट है? डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, सेंसिटिव प्रोजेक्ट, और ऐसे प्रोजेक्ट जहां इज्जत का सवाल है, कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल बेस्ट सूटेड मॉडल है। एग्जाम्पल देना होगा आपको तो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जहां टाइम इंपॉर्टेंट है, जहां शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, सारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अरे समझा? और सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स भी है, बहुत ज्यादा फंडिंग वाला प्रोजेक्ट भी है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगता है, ड्यूरेशन भी ज्यादा है, सेंसिटिव भी है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल, ठीक है? और ये बाकी मॉडल से अलग क्यों है, फेजेस बताता हूं शॉर्ट में, तब समझेगा तुमको। पहला फेज कस्टमर कम्युनिकेशन, सेम जो भी रिक्वायरमेंट है एक्सेप्ट करो, राइट? अभी तक अपन ने जो प्रोसेस मॉडल देखे उसमें क्या हो रहा था, रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करो, देन स्टार्ट विद द डिजाइन, वंस इट इज कंप्लीटेड गो टू द कोडिंग, वंस इंप्लीमेंटेशन इज डन टेस्ट इट, इफ टेस्टिंग इज परफेक्ट गिव इट टू द एंड यूजर एज अ डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूअसली गिव द सपोर्ट। देखो यहां देखो, ये एक ही प्रोसेस मॉडल ऐसा है जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करने के बाद प्लानिंग परफॉर्म करता है, ठीक है? और ये जो दो फेजेस हैं, ये दो फेजेस बाकी किसी भी प्रोसेस मॉडल में नहीं है, यही बेसिक डिफरेंस है स्पाइरल का और बाकी दोनों प्रोसेस मॉडल का। आप बोलेंगे सर प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में दो चीजें होती है, प्लानिंग में दो चीजें होती है, पहला शेड्यूलिंग, राइट? दूसरा कॉस्ट एस्टीमेशन। ये दोनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा कॉस्ट एस्टीमेशन। देखो यहां आपने रिक्वायरमेंट लिया, डिजाइनिंग आपको यहां करना है, यहां रिक्वायरमेंट लेने के बाद एक्चुअल प्रोजेक्ट यहां शुरू होगा, बट जैसे रिक्वायरमेंट आते हैं आपको ये दोनों चीज परफॉर्म करना पड़ता है, प्लानिंग में शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब क्या? शेड्यूलिंग मतलब क्या? यस, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग? कंपार्टमेंटलाइजेशन, राइट? यस, अब मुझे बताओ कोई भी आपको बड़ा काम करना है बिना शेड्यूलिंग के पॉसिबल है नहीं। आप कॉलेज में जाओगे, राइट? कौन से टाइम पे, कौन से जगह पे, कौन सा लेक्चर है, उसके लिए आप टाइम टेबल होता है, मतलब टाइम टेबल इज अ शेड्यूलिंग। यस, अपना बैच देखो, आज फ्राइडे है, एसपीएम का लेक्चर है थर्सडे,
दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर था वेडनेसडे शेड्यूलिंग, मतलब जो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क है उस टास्क को अप्रोक्सीमेट कंप्लीशन टाइम, टास्क को अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए, क्या ड्यूरेशन लगेगा, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितने लोगों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ये सब होता है शेड्यूलिंग में। अल्टीमेटली शेड्यूलिंग होने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता होता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। क्या बोला मैंने, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, मतलब आप जब काम करना शुरू करोगे उसके पहले ही आपके हाथ में शेड्यूल दे देंगे। अब शेड्यूल देने के अब सिंपल, नेक्स्ट फ्राइडे आपको बताने की जरूरत है कि आपको किधर आना है, अच्छा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कौन टीचर रहेगा। डेवलपमेंट टीम को पहले से पता रहता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एग्जांपल बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, बीआरसी करती है, इवन अपना इसरो जो है, जैसे अभी मंगलयान का प्रोजेक्ट, राइट। रिक्वायरमेंट क्या था, सिंपल था, क्या रिक्वायरमेंट क्या था, मंगलयान आया नहीं, यहां से रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुआ ना, अपने को मंगलयान छोड़ना है, बराबर है ना। बट जब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ते गया, अब मुझे बताओ कि मंगलयान छोड़ना है तो सिंपल रिक्वायरमेंट थी, जैसे जैसे आपको आगे चलते गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट में, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट ऐड होते गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। अब जब आप स्पेस रिसर्च की बात करते हो, एविएशन की बात करते हो, डिफेंस की बात करते हो, तो टाइम कितना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यस। सारे फिजिक्स के इक्वेशंस अपने कितने इंपॉर्टेंट है, सारे मोशंस प्रोजेक्टाइल एंड ऑल कितने इंपॉर्टेंट है, यस। जब आपको मंगलयान छोड़ना है तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या, कुछ तो डिस्टेंस होगा, कुछ तो फिक्स्ड टाइम होगा, उसी स्पेसिफिक टाइम में आपको वहां पहुंचना है, अरे यस और नो, ऐसा है क्या, यहां से ट्रेन पकड़ा पुनः सुबह जाना है, नहीं, यस। बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स आ सकते हैं, यस, सबको टैकल करना है। मिशन मंगल पिक्चर देखा ना तुमने, अपना मंगलयान बीच में खो जाता देखा ना, किसी को टकरा जाता देखा ना, उसका स्पीड बढ़ता देखा ना, तो ये सब एरर्स बीच में आ सकते कि नहीं, उनको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि नहीं। तो शेड्यूलिंग में क्या होता है, कंप्लीट शेड्यूलिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, जिससे जिसके दो फायदे है, पहले ही दिन तुमको पता चलेगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, दूसरा जो डेवलपमेंट टीम मेंबर है उनको रोज बताने की जरूरत नहीं तुमको आके करना क्या है, हर एक का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पहले दिन में पता चल जाएगा। दूसरा कॉस्ट एस्टिमेशन, मैंने पहले ही बताया ऐसे प्रोजेक्ट जहां बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, राइट, तो पहला चेक करना पड़ेगा आपने पास इतना फंडिंग अवेलेबल है कि नहीं। तो कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, फाइनल नहीं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज एनालाइज्ड बाय द एक्सपर्ट, क्योंकि प्लानिंग में डेवलपमेंट टीम वाले नहीं रहते। और अभी आपने जितने भी प्रोसेस मॉडल देखे उसमें सब में हर फेज में डेवलपमेंट टीम वाले लोग है, बट यहां प्लानिंग में हाईली क्वालिफाइड एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। सिंपल एग्जांपल, अपने घर में अपन फर्नीचर करते हैं, यस, तुमको पता होता है कि उस फर्नीचर का कितना कॉस्ट होएगा, नहीं, तुम किसको बुलाते हैं, कारपेंटर को, कारपेंटर को अपन क्या दिखाते हैं, ये जगह है और इसमें ये टाइप का फर्नीचर लेना है, वो जगह का मेजरमेंट लेता है, राइट, तुमको अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताता है, राइट, क्यों, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेट कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, उसका कॉस्ट कितना होगा, उसको पता होता है क्योंकि वो डोमेन एक्सपर्ट है, उसका डेली का काम है, राइट। तो यहां भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हाईली क्वालिफाइड एंड टेक्निकल एक्सपर्ट रहते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन में, राइट। तो कॉस्ट एस्टिमेशन के बहुत सारे मेथड्स है, फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन है, कोकोमो मॉडल है, जहां आप सॉफ्टवेयर को लगने वाला एफर्ट, ड्यूरेशन, कॉस्ट सब निकाल सकते हो, बट ये डेवलपमेंट टीम वाले नहीं रहते हैं, वे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, राइट। अब मुझे बताओ, इनिशियल पीरियड में ही आपको पता चल गया पूरा शेड्यूलिंग, पता चल गया अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, नेक्स्ट आएगा रिस्क एनालिसिस। अब व्हाट इज द रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफाई द रिस्क,
क्योंकि मैंने बताया सेंसिटिव प्रोजेक्ट, बीच में जाके बंद। अब मुझे बताओ, कोई मिशन अगर रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम है, रिलेटेड टू एविएशन है, वो फेल जाता है, कितना बड़ा डिजास्टर होता है। तो सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के लिए सबको आपको पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए स्पाइरल मॉडल सबसे सुटेबल मॉडल है। तो रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, अगेन यहां हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पूरे प्रोसेस में फ्रॉम द इनिशियल डेवलपमेंट टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर या रिस्क आने के चांसेस है, पहले से आइडेंटिफाई करके रखते हैं। अगर वो रिस्क आया तो उसको टैकल कैसा करने का, वो भी यहां सोच कर रखते हैं। अब मुझे बताओ, जब तक अपन ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया एक्चुअल डेवलपमेंट और इतना सारा सोच के रखा है, तो सॉफ्टवेयर फेल्यूर के चांसेस कितने मिनिमाइज हो जाएंगे, राइट? अब फिर डिजाइन, दैट इज इंजीनियरिंग, फिर कोडिंग जिसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, समझा? अरे यस पक्का। तो बेसिक प्रोसेस मॉडल क्या है मैंने आपको बता दिया, 5 प्रोसेस मॉडल बता दिया। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।